नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में डाइस टेक्सटाइल नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। दो रोजा नुमाइश 20 और 21 मार्च को मुनक्किद होगी। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन काशिफ जिया ने बताया कि एडवाइजर वजीर आजम रजाक दाऊद बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाली डाइस टेक्सटाइल नुमाइश में 5000 से ज्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं। ये वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए। और अब जिस तरह रजाक दाऊद साहब हैं हमारे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है वो भी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। दो रोजा नुमाइश 20 और 21 मार्च को मुनाकिद होगी जिसमें दुनिया भर से 40 यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। 120 कंपनीज और टेक्सटाइल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी नुमाइश में हिस्सा ले रहे हैं। 20th और 21st को जो होने जा रहा है तो इसके अंदर हमारे इंटरनेशनल जो पैनल डिस्कशन में है हमारे इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं और हमारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं। काशिफ जिया ने डाइस नुमाइश को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तरक्की की सीढ़ी करार दिया। उनका कहना था कि अकेडमियां टेक्सटाइल और हुकूमती इदारों के एक जगह पर जमा होने से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद।